हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है। अब ये डेट आप देख सकते हैं 1/6/2022, और भी नीचे डेट्स लिखी हुई है, 1/6/2021 है, 4/7/2023 है, इस तरीके से और भी डेट्स लिखी हुई है जो आपको दिखी रही होंगी। बगल में आफ्टर बिफोर लिखा हुआ है। अब ये आफ्टर बिफोर क्या है अभी आपको पता लगेगा। हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर ये देखिए 4 के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 4 प्लस में है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए ये 4 के पहले माइनस लिखा है, इसका मतलब 4 माइनस में है। यहाँ 1 के पहले माइनस लिखा है तो ये 1 माइनस में है, यानी यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है। नीचे एक दो चीजें माइनस में भी लिखी हुई है, एक दो नंबर्स। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं जहां प्लस लिखा है उससे 4 महीने आगे वाली डेट हमारे सामने आ जाए, और जहां पर माइनस लिखा हुआ है वो 4 महीने पीछे वाली डेट हमारे सामने आ जाए। तो आप क्या करते हैं, आप मैन्युअली काउंट करना शुरू करते हैं। तो क्या कोई एक्सेल में ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ये काम कर सकते हैं? तो है, बिल्कुल है। कौन सा फॉर्मूला है आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं और यहीं पर वो चीजें करेंगे। ठीक है, जो भी आफ्टर बिफोर वाली डेट है वो यहीं पर लेके आएंगे। सबसे पहले इक्वल टू लगा लीजिए, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू के निशान से ही शुरू होता है, और ये तो एक्सेल बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट है। ठीक है, इक्वल टू लगा लिया। अब हमको यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, ई डेट। क्या लगाना है? ई डेट लगाना है। ई डेट लगा लिया, अब क्या करना है? अब इस डेट को सेलेक्ट करना है, ये जो डेट है उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। सेल एड्रेस मैंने आपको पहले बताया है, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको सेलेक्ट करते ही ये B3 आ गया है। B3 किस तरह का सेल एड्रेस है आप कॉमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। यहां पर इसके बाद देना है आपको क्या? कॉमा। तो कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद क्या करेंगे? आफ्टर या बिफोर, तो यहां पर प्लस में लिखा है तो ये आफ्टर यानी बाद वाली डेट देगा, यानी 1/6/2022 से 4 महीने बाद वाली डेट देगा ये। ठीक है, और यहां पर इसको बंद करना है और बंद करके सीधा एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आ गया है एक नंबर। अब आप कहेंगे ये डेट तो आया नहीं, ये तो नंबर आ गया, तो यहां पर आप इसे ड्रैग करवा लीजिए नीचे पहले। ठीक है, ड्रैग करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये दिख रहा होगा आपको, होम टैब में रहते हुए आपको यहां पर आना है, ये जो जनरल लिखा हुआ है यहां पर आ जाइएगा और इसका फॉर्मेट बना दीजिएगा डेट का। ठीक है, तो यहां पे डेट कर देते हैं हम। अब जरा देखिए और मुझे बताइए क्या ये 4 महीने बाद वाली डेट है। ये ऊपर देखिएगा, यहां पर ये वाली रो देखिए, मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये 4 महीने बाद वाली डेट आई है कि नहीं आई है। फिर यहां पर देखिए, ये 2 महीने बाद वाली डेट है, तो 1/6/2021 से 1/7/2021 और 1/8/2021, तो 2 महीने बाद वाली डेट आ गई। फिर यहां पर देखिए, 4/7/2023 से 4/8/2023, 4/9/2023, 4/10/2023, 4/11/2023, 4/12/2023 और 4/1/2024 आ जाएगा। तो यहां पर एकदम सेम डेट आई हुई है। तो अगर आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है तो एक्सेल में यह फॉर्मूला काफी कमाल का है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।